मधुपुर की, जी हाँ मधुपुर की सृष्टि को अभी आप भूले नहीं होंगे, किस तरह से उसे कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया गया और वही कोल्ड ड्रिंक जब सृष्टि ने पिया तो उसकी मौत हो गई। और अब इस मौत के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, उन्होंने ये लिखा है कि ये क्या हो रहा है, हम अपनी बहू बेटियों को ऐसे कब तक खोते रहेंगे, क्यों नहीं। और सीधे सीधे उन्होंने हफीजुल अंसारी को लेकर भी ये कहा है कि आप लोग, यानी जो लोग उनके समर्थक हैं, जो लोग उनके चाहने वाले हैं, उनको लेकर भी ये कहा है कि आप लोग इनकी मेहमान नवाजी करते हैं लेकिन अपनी बहू बेटियों को भी सुरक्षित रखिए। और ये बहुत जरूरी है, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बहू बेटी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम अपनी बहू बेटियों के साथ खड़े रहें। ये ट्वीट किया है, हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर ये कहा है कि आप अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखें, ये बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। और इसीलिए देखिए उन्होंने ये कहा, कल का ये ट्वीट था, उनके ट्वीट में ये लिखा हुआ है, कल यानी आज के लिए मधुपुर और जरमुंडी को बंद रखने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य हत्या की कोई माफी नहीं है। निशिकांत दुबे का ये ट्वीट, आप जैसे लोग जो रोज मंत्री हफीजुल की मेहमान नवाजी करते हैं, ये ट्वीट जो उन्होंने किया वो मैं पढ़कर आपको बता रही हूँ, उनके लिए सोचनीय विषय है कि आखिर कब तक हम अपनी बहू बेटी को खोते रहेंगे, हमारी बहू बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी। कल सभी को मधुपुर और जरमुंडी बंद रखना चाहिए, ये कल की बात थी, यानी आज के लिए कि आज मधुपुर और जरमुंडी बंद रखना चाहिए आप लोगों को इस हत्या के विरोध में। आपको फिर से बता दें कि मधुपुर की सृष्टि की मौत कैसे हुई थी, मधुपुर की सृष्टि को युवक ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया था और जहर जैसे ही सृष्टि ने कोल्ड ड्रिंक पिया उसकी मौत हो गई। सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती देखिए, सृष्टि की मौत जिस तरीके से हुई वाकई जघन्य है, और सांसद निशिकांत दुबे ने इसी को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह से जघन्य हत्या हुई है माफी के लायक नहीं है। देखिए सबसे पहले तो जो ये घटनाक्रम है, सृष्टि एक दसवीं क्लास की छात्रा थी। अब मैं पहले आपको जो FIR दर्ज की गई है सृष्टि के पिता के द्वारा उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें यह लिखा गया है कि नाबालिग को बहला फुसलाकर मधुपुर रेलवे स्टेशन से ले जाकर जहर खिलाकर हत्या करने के संबंध में, और इसमें उनके पिता ने कहा कि सृष्टि भारती जो लगभग 15 साल की थी, कारमेल स्कूल मधुपुर में कक्षा दसवीं में छात्रा थी, 15 तारीख को लगभग 11:37 पर दिन में अपनी बेटी से जो पिता है उन्होंने बात की, और उन्होंने बताया था कि स्कूल में जो सृष्टि है उसने बताया था अपने पिता को स्कूल में 3 दिन की छुट्टी है इसलिए वो लगभग 3 दिनों के लिए घर आ रही है, और 15 तारीख को लगभग 1:29 में उनकी बेटी की जो सहेली है काव्या कुमारी ने फोन करके बताया कि सृष्टि के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, आप मधुपुर हॉस्पिटल आ जाइए। इसके बाद 3:30 दिन में मधुपुर हॉस्पिटल पहुंचे वो तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है वो वहां पर अस्पताल में इलाजरत है, और वहां पर उन्हें पता चला कि कोई रितेश कुमार दास जो कि 19 साल का लड़का है उसने मधुपुर स्टेशन से एक रेस्टोरेंट ले गया था सृष्टि को, और वहीं पर उसने कोल्ड ड्रिंक में उसकी जान लेने के इरादे से जहर दे दिया। अब इस मामले में मतलब जो है जांच पड़ताल जो है उन्होंने ढंग से करने की रिक्वेस्ट की है। तो आप इस मामले में जो है निशिकांत दुबे की एंट्री होती है, और निशिकांत दुबे का ये कहना है कि भाई इस मामले में हफीजुल हसन जो कि मंत्री हैं उनके किसी की सहभागिता है, और निशिकांत दुबे का जो पोस्ट है वो पोस्ट ये है जिसमें उन्होंने मधुपुर और देवघर बंद रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हत्याकांड की हाई लेवल जांच होनी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि ये जो हत्या है ये इंटेंशनल हत्या है और इस हत्या के पीछे कोई एक बहुत बड़ी साजिश भी है। तो अब देखिए ये मामला तूल पकड़ रहा है, इस मामले के पीछे क्या है ये फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन क्या भारती ऐसा नहीं लग रहा कि इस मामले को अब पॉलिटिसाइज भी करने की कोशिश की जा रही है, एक माइलेज लेने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जिस तरह से आप देखिए FIR में साफ तौर पर नेम्ड है वो लड़का जिससे जिसके बारे में कहा गया है कि वो सृष्टि को लेकर जाता है रेस्टोरेंट, वहां पर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और उसके बाद उसकी ऐसी इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। तो अब ये चीजें धीरे धीरे दूसरा एंगल लेते नजर नहीं आ रहा क्या?
बिल्कुल ये दूसरा एंगल ले ही रहा है। देखिए इसमें क्या है कि क्या सच है ये, अब तक ये घटना तो सबको पता हो गई कि भाई एक लड़का है एक लड़की है, उस लड़की को इस लड़के के ऊपर आरोप है किसने उसको जहर दे दिया, ये तो समझ में आ गई घटना। लेकिन अब निशिकांत दुबे अगर उसको पोस्ट कर रहे हैं, हफीजुल हसन की एंट्री होती है कि हफीजुल हसन का कोई करीबी है, निशिकांत दुबे ऐसा क्यों पोस्ट कर रहे हैं, इसका राजनीतिक एंगल क्या है, इसके राजनीतिक मायने क्या है, ये फिलहाल समझ से परे और ये समझने के लिए पूरे घटनाक्रम की बारीकी से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिर इस घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे एक और कहानी है जिस कहानी को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ये कहानी भी हम साथ में लेकर जाएंगे। जी चलिए शुक्रिया आपका भारती तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मधुपुर की सृष्टि के लिए इंसाफ मांग रहा परिवार, लेकिन इस बीच आप देखिए सांसद निशिकांत दुबे की एंट्री भी है, उन्होंने ये कहा है कि ये जघन्य हत्याकांड है, इसके लिए माफी नहीं मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो मंत्री हफीजुल हसन का करीबी है, लेकिन अब ये मामला क्या किस तरफ बढ़ रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और हाई लेवल जांच की मांग की जा रही है। देखना होगा कि जांच के बाद और क्या कुछ सामने आ पाता है।